चर्चित कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी यानी कि कवि कुमार आजाद का सोमवार को निधन हो गया था। उसके बाद मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि अंतिम संस्कार सुबह 11:30 बजे होना था, लेकिन तेज बारिश के चलते दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया गया और नम आंखों से उनके सभी प्रशंसकों ने उनके परिवार वालों ने विदाई दी। पर चूंकि कवि कुमार आजाद शादीशुदा नहीं थे, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, अब ऐसे में मुखाग्नि किसने दी? तो जनाब आपको बताते चलें कि कवि कुमार आजाद को मुखाग्नि उनके भाई रवि और चाचा ने दी थी। जी हाँ, कवि कुमार आजाद की मुखाग्नि के लिए उनके भाई रवि और उनके चाचा दोनों साथ है। बताते चलें कि जब कवि कुमार आजाद का निधन हुआ उस वक्त उनका परिवार मुंबई में नहीं था, वो एक समारोह अटेंड करने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्हें ये दुखद समाचार मिला वो तुरंत मुंबई पहुंचे और उसके बाद से उनके परिवार का रो रो के बुरा हाल हो गया। कुमार के पेरेंट्स अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। सोमवार की शाम जब वो मुंबई लौटे तो कुमार की डेड बॉडी देख खुद को संभाल नहीं सके। वहीं पर उनके रिश्तेदार और परिवार के लोग भी पहुंचे और इसी कड़ी में मुखाग्नि देने के लिए उनके भाई रवि और चाचा साथ आए। बताते चलें कि कवि कुमार आजाद की अंतिम विदाई के लिए कई कलाकार पहुंचे। आज कवि कुमार आजाद हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी एक्टिंग और उन्होंने हर घर में जिस तरीके से खुशी बांटी है वो सदा जहन में जिंदा रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।